हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कैबिनेट ओकेज वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूथ टू बी अनवेल्ड ऑन अक्टूबर 31। तो ये वन स्टॉप पोर्टल हो रहा है, कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है यूथ्स के लिए, मतलब आपके मेरे हमारे जैसे लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है। आफ्टर टैपिंग इन टू द नारी शक्ति, ये जो नारी शक्ति आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, प्लैंक थ्रू द पैसेज ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल लास्ट मंथ, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टू टैप इन टू अनदर बिग कॉन्स्टिट्यूंसी, द 40 करोड़ यूथ पॉपुलेशन इन द कंट्री अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी कॉल्ड मेरा युवा भारत, MY भारत। तो मेरा युवा भारत इन्होंने लॉन्च किया है फॉर द यूथ लेड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू यूथ, अनाउंसिंग दैट द कंट्री हैज 40 करोड़ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर सेड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई भारत, मेरा, ये रहा आपका मेरा युवा भारत, MY भारत, माई भारत, इज टू बिकम एंड ओवर आर्चिंग प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट। द पोर्टल विल बी अनवेल्ड ऑन अक्टूबर 31। तो अक्टूबर 31 को ये पोर्टल आएगा। टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, द यूथ इन दिस एज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट 27% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एंड दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प इंटीग्रेट डिफरेंट स्कीम रिलेटेड टू यूथ, ठाकुर सेड। ये आपके कौन ठाकुर है? अनुराग ठाकुर है। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग ठाकुर ये है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। एडिंग द ऑब्जेक्टिव टू वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 विल बी अचीव थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म इज मेंट टू ऑफर सुटेबल अपॉर्चुनिटीज टू यंगस्टर टू एंगेज इन वॉलंटरी वर्क इन द फील्ड ऑफ देयर चॉइस एंड लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री। वंस अचीव, द प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यंग पीपल एंड वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्रीज एंड विल ऑल्सो क्रिएट अ सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस। तो ये एक यूथ का इनको डेटाबेस भी मिल जाएगा इससे। हाउएवर, ठाकुर क्लैरिफाइड दैट देर विल बी नो फाइनेंशियल रेन्यूमरेशन इन्वॉल्व। तो भैया पैसा रुपया नहीं देंगे, अभी ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। टूडे आवर कंट्री बूस्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अच्छा है क्योंकि वी आर हैविंग द यंगेस्ट पॉपुलेशन एंड दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमें इसका थोड़ा यूज़ करना चाहिए। विथ अराउंड 40 करोड़ यूथ इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 19 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे 15 to 19 ईयर्स दिया है, यहाँ पे 15 to 29 ईयर्स दिया है। ये पेपर में डिस्क्रिपेंसी लग रही है। द मूव विल अनलीश देयर true potential and provide them with the opportunities to come forward and contribute to nation building, he said. Under the new arrangement, with access to resources and connection to the opportunities, youth would become community change agents. So, unko aise training bhi di jayegi and nation builders, acting as a yuva setu, a bridge. Setu mane bridge aur yuva matlab ye jo youth hai apna, between the government and the citizen, the ministry said. द प्लेटफॉर्म सीक टू हार्नेस द इमेंस यूथ एनर्जी फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ये नेशन बिल्डिंग में यूथ की एनर्जी को यूज़ करेंगे। इन ए स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द YAS मिनिस्ट्री सेड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माई भारत मेरा युवा भारत वुड इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स इन यंगस्टर्स थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे। इट विल लीड टू इन्वेस्टिंग मोर इन यूथ टू टेक देम सोशल इनोवेटर्स एंड लीडर इन द कम्युनिटीज। तो आप लोग देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम यूथ ही है और हमारे पास ऐसा कई बार हो जाता है कि नॉलेज तो है पर उसको कहाँ अप्लाई करना है हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं ये इसीलिए काम होगा। इस आर्टिकल में अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो माय भारत, ठीक है, माय भारत ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत,
ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया मेरा युवा भारत की। एक हमारे पास ये एक डेटा है, अब देखिए हमारा यूथ का पॉपुलेशन क्या है, 40 करोड़ है। एज ब्रैकेट क्या है, 15 से 29। यहाँ पे इन्होंने दो दे रखा है, डिस्क्रिपेंसी है, पर मैं इसको ही मान रहा हूँ 15 से 29 को। एंड पोर्टल विल बी, ठीक है ये पोर्टल। अब हाँ यहाँ पे थर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी तो अक्टूबर 31 हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है अक्टूबर 31 इनका बर्थ एनिवर्सरी था, बर्थडे आप कह लो इसको, ठीक है। और ये हो गया, ये कवर हो गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद आ रहा है, ये कवर हो गया। यहाँ पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है, तो इसमें कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो मतलब इसके एक ही मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, तो मतलब इसमें मेनली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ही है, ठीक है। 27% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आपकी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, जो आपकी कौन है, तो ये आपकी कितना है, 27% पॉपुलेशन है आपकी इंडिया की, टोटल पॉपुलेशन की। तो आप समझ रहे हैं अगर ये पॉपुलेशन आपकी डायनेमिक हो जाए, काम करने लगे, तो आगे कितना बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, ठीक है। इसमें वॉलेंटरी कम्युनिटी वर्क होगा कि NEP में अगर आप पढ़ाना चाहो या उनको गाइड करना चाहो, एक ये होगा, ठीक है। ये सुटेबल प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए एंगेज करने के लिए, वॉलेंटरी वर्क अगर कोई करना चाहे, यहाँ पे आप डाल दीजिए, मेन एक इसका वॉलेंटरी वर्क है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको काम करना है करिए। दूसरा आप देखिए इससे गवर्नमेंट को क्या होगा, सेंट्रलाइज डेटाबेस गवर्नमेंट का बन रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल रेन्यूमरेशन इसमें नहीं है, तो इसमें अगर आप बोले वॉलेंट्री वर्क करेंगे, पैसा नहीं भाई, वॉलेंट्री वर्क करो आप, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज केम फॉर कंट्रीब्यूट नेशन नेशन बिल्डिंग, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूथ का डेटाबेस और नेशन बिल्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए युवा सेतु ब्रिज की तरह काम करेगा, किसके बीच में, ये कैसा, ये क्या काम करेगा, युवा सेतु ब्रिज किसके बीच में, ब्रिज ये करेगा गवर्नमेंट और सिटीजन। तो देखिए इस तरफ गवर्नमेंट है, इस तरफ सिटीजन है, और ये जो ब्रिज है ये आपका होगा यूथ, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं युवा सेतु। तो ये था, ये युवा सेतु की तरह काम करेगा, माय भारत है आपका ये, बस इसमें हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होता है इस आर्टिकल में। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है किसी भी, और एग्जाम तो ठीक है भाई, यूथ लोग मेहनत करो, काम करो, पैसे के पीछे मत भागो, मेहनत करो। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।